उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, थोड़ा सा इनमें फर्क है, वो जब सवाल में करवाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों करवा देता हूं, 11 में एक थोड़ी इजी चीज है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास एक्सपेंशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एम। कंडीशन पे आते हैं जरा, पहले आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए यहां पे है बच्चों एक्स स्क्वायर, बी है यहां पे 1 अपॉन एक्स, एन है यहां पे एम के बराबर। अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जनरल टर्म निकालते हैं पहले, उसके बाद बात बताता हूं। n है यहां पे m, r नहीं पता, x स्क्वायर m माइनस r 1 अपॉन x की पावर r। देखो करना क्या है, यहां पे आपको कोफिशिएंट निकालना है, मतलब कंडीशन क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म 46 के बराबर है, लेकिन असल चीज क्या है कि आपको इस एक्सपेंशन में पहले टर्म का कोफिशिएंट, दूसरी टर्म का कोफिशिएंट, तीसरी टर्म का कोफिशिएंट चाहिए। दो किस्म के कोफिशिएंट होते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, एक कोफिशिएंट होते हैं जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अच्छा अगर मैं आपके सामने लिखूं x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। अगर आप ऊपर वाली एक्सपेंशन में देखो तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन कौन से, 1 2 1। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो होते हैं जो c के साथ होते हैं। अगर आपने देखा हो तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, यहां पे पावर 2 है ना, तो ये होगा 2c0 2c1 2c2। तो आपको पता है 2c0 और 2c2 ये तो 1-1 होते हैं, और 2c1 क्या होता है 2 के बराबर, तो ये आपको नजर आ रहा है। अगर आप नीचे वाली एक्सपेंशन में देखो ना, तो उसमें हर टर्म के साथ कोफिशिएंट जो लिखे हैं वो सिर्फ बाइनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन में एक अलग भी कॉन्स्टेंट आया हुआ है, इस वाली एक्सपेंशन में कोई कॉन्स्टेंट था नहीं, तो प्योर जो आपको कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं वो बाइनोमियल कोफिशिएंट थे, 2c1 2c करके आए हुए थे, जबकि यहां पे आपको 4 मिल रहा है। क्या 4 ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है? नहीं, दूसरी टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो 2c1 होगा, मतलब 2 होगा, तो ये एक्स्ट्रा 2 इससे क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ये वाला 2 है। तो कहने का मतलब जब बाइनोमियल एक्सपेंड करते हो ना, तो दो किस्म के कॉन्स्टेंट होते हैं, एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं और एक होते हैं जो एक्सपेंशन में आए हैं। ये बात हो गई, दो बातें बता दी आपको। फिर अब सवाल पे आप डिपेंड करेगा, इस सवाल में लिखा हुआ द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म। यहां पे जनरलाइज बात की है, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी आ गए और अगर अपना कोई कोएफिशिएंट है कांस्टेंट है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने बोला है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो उसके अंदर अपना कोएफिशिएंट हमने डिस्कस नहीं करना, उसमें जस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ कि आप फोर्थ टर्म और 13th टर्म का कोएफिशिएंट डिस्कस किया, लेकिन वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, तो उसमें आपको जनरल टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जो चौथी टर्म होती है उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, एन सी थ्री, आर की वैल्यू 3 होती है चौथी टर्म में, चौथी टर्म का कोएफिशिएंट एन सी 3 और 13 टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा एन सी 12, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना, तो उसमें आपको जनरल टर्म निकालने की भी जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन में आप डायरेक्ट लिखना कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म है वहां पे एन एम के बराबर है, तो एम सी 3 हो जाएगा एंड कोएफिशिएंट ऑफ 13 टर्म एम सी 12 है, क्योंकि बाइनोमियल निकालना है, बाइनोमियल में आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम याद है आपको, आपको जनरल टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। अब जनरल टर्म निकालने की जरूरत पड़ती क्यों है, जनरल टर्म निकालने की जरूरत उन सवालों में पड़ती है जिसमें इस टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें जनरल टर्म निकालू ना, फॉर एग्जाम्पल इसमें जनरल टर्म क्या होगी एन सी आर, एन यहां पर चलो 2 है ठीक है, और आर अभी छोड़ दो, एक्स की पावर 2 माइनस आर 2 वाई की पावर आर, ये सिचुएशन है। अब बाइनोमियल अगर कोफिशिएंट बोला जाता तो वो तो सिंपल 2cr है, पहली टर्म में 2c0 होगा, दूसरी टर्म में 2cr 2c1 होगा, तीसरी टर्म में 2c2 होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में जो करवाने लगे इसमें आपको ये नहीं बोला गया कि आप बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसमें बोला गया सम ऑफ कोफिशिएंट, ओवरऑल बात की गई है। तो अगर इस टाइप की आपके पास एक्सपेंशन गिवन है, इसमें पता है आपको कि कोफिशिएंट सिर्फ बाइनोमियल नहीं है, ये वाले कोफिशिएंट भी है, तो आप क्या करोगे जनरल टर्म लिख के उसके बाद आप कोफिशिएंट को एक साथ करोगे, एक कोफिशिएंट है 2c r और दूसरा ये वाला 2 होगा 2 की पावर r, और जो वेरिएबल है उनको इग्नोर कर दो, x और y के टर्म वेरिएबल है उसको छोड़ दो, तो ये पूरा कोफिशिएंट आपका होगा। अब अगर आपको बोला जाए पहले टर्म का कोफिशिएंट निकालो तो 2c1 2 की पावर 1 तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी पहले टर्म में 0 होता है तो 2c0 2 की पावर 0,
तो 2c 01 होता है, 2 की पावर 0 भी 1, तो देखो आपके पास 1 आ रहा है। अगर बोला जाए दूसरी टर्म में r 1 होता है, 2c 1, 2 की पावर 1, 2, 4, ये 4 आ गया। और बोला जाए तीसरी टर्म का निकालो, तो 2c 2, 1 होता है और 2 की पावर 2, 4, तो आपके पास 4 आ गया। तो कहने का मतलब है कि जिन सवालों में आपको जनरलाइज बोला है ना सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो उसमें आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि सब कोएफिशिएंट nc 0 होगा या ये होगा वो होगा, मतलब उसमें एक्सपेंशन के अंदर अपने कांस्टेंट भी होंगे। तो अच्छा तरीका क्या होगा कि आप जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म निकालने के बाद आप देखो उसमें कौन कौन से कांस्टेंट है वो लिखो, उसके बाद जिस भी टर्म का आपको कोएफिशिएंट निकालना है निकाल लो। इस सवाल में इसके अपने कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट भी करवा सकता था आप लोगों को, लेकिन मसला है कि शॉर्टकट हर जगह वैलिड नहीं होते, इसमें अपने भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें बस बायनॉमियल कोएफिशिएंट ही है इसके। तो दैट्स व्हाई मैंने तरीका आपको बता दिया, इस सवाल में तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जिस सवाल पेपर में अगर वैल्यू चेंज हो गई तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यार अपने कोएफिशिएंट भी आ सकते हैं बायनॉमियल के अलावा भी। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म में देखो कॉन्स्टेंट कौन कौन से, उनको एक साथ करो, उसके बाद पहली दूसरी जिस भी टर्म का आपने निकालना है आर की वैल्यू पुट करते जाओ और आपके पास कोएफिशिएंट आता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जनरल टर्म निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जिक्र किया गया है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो आपको डायरेक्ट पता है, उसमें जनरल टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। चौथी टर्म का बोलेंगे तो आपको पता है एनसी 3 होता है, 13 टर्म का बोलेंगे आपको पता है एनसी 12 होता है, उसमें तो कोई मसला नहीं। तो डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ने डिस्कस कर दिए, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना तो इंशाल्लाह आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब आज आपको पता है इसमें कोएफिशिएंट जो है वो बाइनोमियल ही है, कोई और नहीं है, तो डायरेक्ट आप निकालो। सबसे पहले आपको किस टर्म का निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। आपको पता है फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहां पे क्या होगा, एमसीआर, एम नहीं आपको पता लेकिन आर की वैल्यू आपको पता है जीरो होती है फर्स्ट टर्म में, तो एमसी 0। फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, आपको पता है सेकंड टर्म में आर की वैल्यू 1 होती है, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, इसमें आपको पता है आर की वैल्यू होती है 2, तो ये हो जाएगा एमसी 2। तो इस वाली एक्सपेंशन में पहली टर्म का कोएफिशिएंट एमसी 0 है, दूसरी का एमसी 1 है, तीसरी का एमसी 2 है। अगर यहां पे मैं जस्ट 2 ऐड कर दूं तो कहानी मुख्तलिफ हो जाएगी, अब कोएफिशिएंट अलग अलग हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो ही रहेंगे लेकिन ओवरऑल अगर कोएफिशिएंट की बात करें, सवाल में कोएफिशिएंट का वर्ड डिस्कस किया है, अब वो चेंज हो जाएंगे। यहां पे 2 की पावर r वाली भी टर्म होगी, तो यहां पे 2 की पावर r आ रहा होगा, यहां पे तो 2 की पावर 0 होगी तो खत्म हो जाएगा, यहां पे 2 की पावर 1 होगी, यहां पे 2 की पावर 2 होगी, तो अब कोएफिशिएंट इस टाइप के हो जाएंगे। तो इन दोनों बातों से जरा ध्यान रखना यार, आंखें खोल के पढ़ना सवाल में क्या लिखा हुआ है, वरना ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। जब भी आप लिख लो ना, आप कंडीशन क्या लो, कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कि इन तीनों टर्म के कोएफिशिएंट का सम किसके बराबर है, 46 के, ये लिखा हुआ ना, 46 ही लिखा हुआ उन्होंने। हाँ जरा सॉल्व करो, एमसी 0 क्या होता है, एमसी 0 होता है m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल m फैक्टोरियल, एमसी 1 होता है m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m माइनस 1 फैक्टोरियल, और एमसी 2 होता है m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल m माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, ये तो कैंसिल होगी, यहां पर तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 को छोड़ दो, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल, बच्चों सिंपल इसका आंसर m होगा, क्यों, m फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना, m फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, m मल्टीप्लाई m माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ऊपर m माइनस 1 फैक्टोरियल नीचे भी है, कैंसिल होके जस्ट आपके पास m बच जाएगा। ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 में बहुत दफा बताया, और इसको क्या करोगे, m मल्टीप्लाई m माइनस 1 मल्टीप्लाई m माइनस 2 फैक्टोरियल, तो m माइनस 2 कैंसिल, तो ऊपर m और m माइनस 1 बच जाएगा, और नीचे 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 के बराबर होता है। अब सिंपल अलजेब्रा, 2 को m से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से भी कर दो, तो सिचुएशन होगी 2m m स्क्वायर माइनस m, एलसीएम यहां पे 2 है, यहां पे लिखा हुआ 46। सिंपलीफाई करो, ऊपर m स्क्वायर माइनस m प्लस 2m हो जाएगा प्लस m प्लस 2, ये वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 46 से, तो 92 हो जाएगा, ठीक है। इधर ले आओ तो नेगेटिव हो जाएगा, ये सिचुएशन। अब आपने माइनस 90 के फैक्टर ढूंढने दो, और कौन से फैक्टर होंगे, करीब करीब ढूंढने ना, तो फॉर एग्जांपल 10 को 9 से, हाँ 10 को 9 से कर सकते हैं, 10 माइनस 9, हाँ हो सकता है बिल्कुल, तो आप लिखोगे प्लस 10 माइनस 9,
10 मल्टीप्लाई माइनस साइन माइनस साइन टी और इनको ऐड करोगे वो आएगा। तो m कॉमन लो हो जाएगा m प्लस 10, यहां से माइनस 9 कॉमन लो m प्लस 10। तो बच्चों एक m की वैल्यू अच्छा एक फैक्टर है m प्लस 10, एक फैक्टर है m माइनस 9, आप दोनों के इक्वल टू जीरो रखो। तो आइदर m प्लस 10 इक्वल टू जीरो और m माइनस 9 इक्वल टू जीरो। यहां से m की वैल्यू आएगी माइनस 10, डिस्कार्ड, क्यों? क्योंकि m हमेशा बिलोंग करेगा, स्ट्रिक्टली बात करें तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, वरना होल नंबर भी कभी हो सकते हैं कि आपके पास जीरो चीजें हैं, आपने जीरो मतलब m ये है ना, तो आपको पता है कि यहां पे जीरो हो सकता है, ठीक है? अगर नेगेटिव होगा तो उसके लिए आप बायनोमियल सीरीज वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो यहां पे अगर आपने यूज करना है तो m मैक्सिमम क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, जीरो भी नहीं आप कंसिडर करते वरना वन आ जाएगा आंसर। तो m नेचुरल नंबर होगा, दैट्स व्हाई इसको ये लिख देना m डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब मैंने इस वैल्यू को डिस्कार्ड किया इसलिए इनके नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती, ये करेक्ट नहीं होगी। m इक्वल टू 9 ये वाली वैल्यू जो है ये एक्सेप्टेबल है, तो m की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। ये आपका आंसर नहीं है, आपको निकाला था ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ x, m की वैल्यू जैसे आ गई अब ट्रम इंडिपेंडेंट ऑफ x आप निकालोगे, जनरल ट्रम जो आपने यूज किया अब आपको फायदा होगा। यहां पे आपको पता है इसमें आप सिंप्लीफाई कर लो, पहले सिंप्लीफाई कर लेते यार, मेरे जहन में नहीं रहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ x ट्रम निकाल ली, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो r प्लस 1 सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा x की पावर 2m माइनस 2r और ये है x की पावर r होगा ना ऊपर आएगा तो x की पावर माइनस r। तो सिंपल लैंग्वेज में अच्छा m की वैल्यू भी पुट कर दो आप, m क्या आया है 9, तो ये हो जाएगा 9 और यहां पे भी 9 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9cr x की पावर 18 माइनस अच्छा माइनस r माइनस r ये हो जाएगा माइनस 3r, ये आपके पास जनरेटर में आ जाएगी। अब आपको निकालना है फ्रॉम इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो आप लिखो फॉर ट्रम इन डिपेंडेंट ऑफ x वी हैव क्या होगा, ये जो x की पावर जो जीरो के बराबर होगी 18 बराबर हो जाएगा 3r के, r की वैल्यू हो जाएगी 6, इसको आप 1 बोल दो, इसको ना बोलो। आप एक काम करना शुरू में इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मेरे जहन से निकल गया था, तो 1 आप कंसीडर करो यहां पे, अब r की जगह पे 6 पुट करो, ये हो जाएगा 9c6 x की पावर 3 मल्टीप्लाई 6, ये तो 0 हो जाएगा। तो 7th टर्म क्या होगी 9c6 और 9c6 क्या होगा हम जरा कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेते हैं, 9c6 आंसर आ रहा है 84। तो 7th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है और क्या है 84 है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इजी होगा, उसमें जब आप कंडीशन रखोगे ना आपके पास आ रहा होगा MC3 बराबर होगा MC12 के, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो इनको कन्वर्ट करते हैं हम MC3, ये मैंने चैप्टर नंबर 7 में बताया था कि MC3 किसके बराबर होगा MCM-3 के। अब ये बात अगर आपको नहीं पता चैप्टर 7 पहले देखो, चैप्टर 7 में डिस्कस किया था हमने। तो अब उसके बाद हम इन दोनों को इक्वेट करवाना, m माइनस 3 बराबर होगा 12 के, m की वैल्यू आ जाएगी 15, तो उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट आपके पास m आ रहा होगा। या एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर आप ऐसे ही डिस्कस करो 3 प्लस 12 को m के बराबर रखो तब भी m की वैल्यू 15 आ रही है। ये सब बातें हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस की थी, कॉम्बिनेशन के सवाल है तो वहां सब डिस्कस कर चुके थे हम, सॉल्व कर लेना m की वैल्यू 15 आएगी और फिर तो आपके लिए बच्चों वाला काम होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना था, हाँ 11 में भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ही निकालनी है, तो एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे आप करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप के हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर इस 13 में वैल्यूज बड़ी बड़ी आएंगी ना, 13 कर लेते हैं, सेम एक्सपेंशन है कोई फर्क नहीं है, दोनों में n निकालना है, दोनों में सेम कंडीशन है, सेम एक्सपेंशन के मैंने, तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवा देता हूं, इसमें वैल्यूज बड़ी हैं तो सिंप्लीफिकेशन देख लेंगे। इसमें जस्ट आपको n निकालना है, कंडीशन क्या गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म फॉर्म एन एपी, तो एपी बना रहे हैं। अब इसमें जनरल टर्म निकालने की ऐसा जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने आपकी हैबिट बनाई भी है क्योंकि इसके अंदर अपना कोई बल्कि दो ही पावर कर दो तो वो तो कुछ नहीं है ना, और x में तो कोई कोएफिशिएंट नहीं आ रहा। बहरहाल a यहां पे 1 है, b यहां पे x है
और n यहां पे n ही है, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। तो सॉल्यूशन पे आओ, जनरल टर्म निकालो, टी आर प्लस वन, ये हो जाएगा एन सी आर, वन की पावर n माइनस आर, एक्स की पावर r। तो सिंप्लीफाई करो, एन सी आर एक्स की पावर r, ये r है। तो आपको देखने में लग रहा है इस वाले एक्सपेंशन में जो कोफिशियंट है ना वो प्योर बाइनोमियल कोफिशियंट है, कोई और कोफिशियंट यहां पे नजर आ नहीं रहा आपको। बर तो सबसे पहले कौन कौन से कोफिशियंट आपको चाहिए? आपको कोफिशियंट चाहिए यहां पे फिफ्थ टर्म के चाहिए, सिक्स के चाहिए और सेवन के चाहिए, मतलब फाइव सिक्स सेवन के। तो कोफिशियंट ऑफ फिफ्थ टर्म के कोफिशियंट क्या होंगे? देखो n आपको नहीं पता यहां पे, तो n को जवाब में रहने दो। आपको पता है जो पांचवी टर्म होती है ना उसमें r क्या होता है, फोर होता है, एक कम होता है, तो उसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, एन सी फोर। मतलब इसमें अगर आप r की जगह फोर पुट करोगे ना तो फिफ्थ टर्म क्या आएगी, एन सी फाइव, एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर फोर, मतलब r की जगह फोर पुट करना, तो एन सी फोर एक्स की पावर फोर। अब एक्स की पावर फोर तो वेरिएबल है ना, वो तो कोफिशियंट तो नहीं है, कोफिशियंट क्या होगा, एन सी फोर, जो हमने यहां पर लिख लिया। फिर कोफिशियंट ऑफ सिक्स टर्म एन सी फाइव हो जाएगी, फिर कोफिशियंट ऑफ सेवेंथ टर्म वो हो जाएगी एन सी सिक्स। जी बड़ा सवाल पेपर में आते नहीं है, इतना करवाने का मकसद ये कि कैलकुलेशन आपको समझ आ जाए। अगर बड़े सवाल में कैलकुलेशन कर लोगे तो छोटों में तो मसला ही नहीं होगा। कंडीशन यहां पे क्या गिवन है कि जो कोफिशियंट है ना फिफ्थ सिक्स सेवेंथ के, ये एपी बना रहे हैं, तो किस तरह लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है कि एन सी फोर, एन सी फाइव, एन सी सिक्स फॉर्म एन एपी, ये कंडीशन गिवन है। तो आपको पता है, आप इसको सवाल को दो तरीके से कर सकते हो, आप एम वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो कि अगर तीन टर्म एपी के अंदर है, दरमियान वाला अरिथमेटिक मीन है, उतनी ही स्टेप लगेंगे, कोई फर्क नहीं है। या दूसरा कॉन्सेप्ट, आप एपी का यूज, एपी में दो कॉन्सेप्ट है ना, या तो आप एम के जरिए से करोगे, दरमियान वाली टर्म अरिथमेटिक मीन है इन दो की, मतलब एन सी फाइव बराबर हो जाएगा एन सी फोर प्लस एन सी सिक्स डिवाइड बाय टू, इस तरह भी कर सकते हो। या दूसरा टर्म क्या आपको पता है, दूसरा तरीका क्या है कि एपी के अंदर दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव दो टर्म का डिफरेंस सेम रहता है, मतलब इन दो टर्म का डिफरेंस, इन दो टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा आपस में, क्योंकि ये एपी है, एपी अरिथमेटिक नहीं होता है ना, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होता है। तो आप इस कंडीशन को रख लो, जब आपने बता दिया कि एपी के अंदर है तो उसका मतलब इन दो का डिफरेंस, मतलब एन सी फाइव माइनस एन सी फोर, ये बराबर होगा एन सी सिक्स माइनस एन सी फाइव के। वैसे आपके पास लिखा हुआ है थ्री फाइव सेवन, ये एपी के अंदर है तो आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस बराबर है इन दोनों के डिफरेंस के, टू टू डिफरेंस आ रहे हैं, तभी तो एपी की डेफिनेशन मिलती है। अब ये कंडीशन रख के आपने एन की वैल्यू निकालनी है, अभी कंडीशन बहुत बड़ी बनेगी, थोड़ा तो सॉल्व करते हैं। आपको एक्सपेंड तो करना पड़ेगा पहले, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, अच्छा जी, फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल एन माइनस सिक्स फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फाइव फैक्टोरियल एन माइनस फाइव फैक्टोरियल। अब उसके बाद आप क्या करो, अब आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, जैसे फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करते हो, अब पूरे स्टेप ना दिखाओ, पूरे स्टेप दिखाने का मकसद, कहने का मतलब क्या है, ये जो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस फाइव फैक्टोरियल, क्या करोगे आप, n फैक्टोरियल को लिखोगे n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में n माइनस फाइव फैक्टोरियल आ रहा है, आप इसे कैंसिल करोगे, ऊपर ये आपके पास पांच एक्सप्रेशन आ रही है, ये काम आपने बाद में भी करना है, इसमें n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, दैट्स इट। जो n माइनस फोर फैक्टोरियल है वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस थ्री तक आ रहा होगा, यहां पे n माइनस फाइव तक आ रहा होगा, यहां पे n माइनस फोर तक आ रहा होगा। तो अभी आपने लिखने, तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कैंसिल करने के बाद लिख रहा हूं। तो पहले टर्म से क्या बचेगा आपके पास, ऊपर होगा n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर। जो n माइनस फाइव फैक्टोरियल है वो नीचे वाले n माइनस फाइव फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और फाइव फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। अच्छा, ये उन बच्चों को बातें समझ नहीं आ रही होगी जिन्होंने चैप्टर सेवन स्किप किया, अब ये मेरा मसला नहीं है, चैप्टर सेवन में मैंने डिटेल में बातें आप लोगों को बताई है, फैक्टोरियल क्या होता है, कॉम्बिनेशन को इस तरह सॉल्व करोगे, एक एक चीज मैंने डिटेल में डिस्कस की है। जिसने चैप्टर सेवन छोड़ा होगा भाई, अब उसका कसूर है, मैंने 40 लेक्चर में
आपको कहीं नजर नहीं आएगा चैप्टर 7 जो मैंने अपलोड किया है, जरूरी नहीं करना, चेक करके देख लेना। अच्छा उसके बाद n फैक्टोरियल डिवाइड बाय माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, क्योंकि n माइनस 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे 4 फैक्टोरियल मतलब 24 बचा हुआ होगा। अब जरा इस पे आ जाओ, ये बहुत बड़ी टर्म है, दैट्स व्हाई मैं नीचे लिख रहा हूं इसको, तो इसमें n माइनस 5 तक आप ऊपर लिखोगे, n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये करवाने का मकसद ही ये है कि आपको कैलकुलेशन आ जाए, पेपर में इतने बड़े आते नहीं, पेपर में घबराओ नहीं आप, पेपर में भी छोटे छोटे हो, n माइनस 1 n माइनस 2 इस टाइप के हो, असल चीजें कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। और नीचे 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और आखिरी टर्म में n माइनस 5 तक है तो n माइनस 4 तक लिखोगे आप, और क्या है 120 है, 5 फैक्टोरियल तो 120। अब वक्त आया कि आप कॉमन लो, दोनों टर्म दोनों साइड से आपने कॉमन लेना ताकि कैंसिल हो जाए, तो आप देखो दोनों चीजों में कॉमन क्या है, देखो n माइनस 4 तक दोनों में कॉमन है, मतलब n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 चार चीजें जो है ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है, तो एक चीज आप कॉमन लो, दूसरा 24 भी आप कॉमन ले सकते हो, 24 भी हर जगह आ रहा है, तो आप क्या करो राइट हैंड साइड पे, ये मैंने एक साइड लिखी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड, अब आप क्या करो लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर कॉमन लो आप n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, ये कॉमन लो दोनों टर्म से डिवाइडेड बाय 24, ये पहली टर्म से भी कॉमन ले लो दूसरी से भी ले लो, तो पहली टर्म में क्या बचेगा, पहली टर्म में जस्ट ऊपर बचेगा n माइनस 4 और 120 में से 24 कॉमन लोगे तो 5 बचेगा, और इस टर्म में से कुछ भी नहीं बचेगा, माइनस 1 बचेगा बस, क्योंकि ये पूरी चीज जो है आपने कॉमन ले लिया तो जस्ट 1 बच जाएगा इसमें से। आप राइट हैंड साइड पे आओ, राइट हैंड साइड में भी सेम ही चीज कॉमन लो डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि डायरेक्ट कैंसिल करने में आसानी होगी ना, इसमें तो वैसे 120 कॉमन आ रहा है लेकिन कैंसिल करने में आसानी होगी, ऊपर क्या बचेगा n माइनस 4 n माइनस 5 और 720 में से 24 कॉमन लो 240 480 आई गेस 30 आना चाहिए 720 डिवाइडेड बाय 24 30 आ रहा है, और इसमें अगर कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा n माइनस 4 120 में से कॉमन लो 5, ये वाली पूरी चीज ये वाली पूरी चीज कैंसिल, तो आपके लिए अब थोड़ी आसानी होगी, इसको सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा n माइनस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, और जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा अगेन इसमें से आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने का फायदा होगा, ऐसे फायदा है नहीं इसका, तो रहने दो सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करो n माइनस 4 सॉरी n स्क्वायर माइनस 5n ये हो जाएगा माइनस 9n प्लस 20 डिवाइडेड बाय 30 ये हो जाएगा n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा बाय द वे यहां पे तो है n माइनस 9 अपॉन 5 और यहां पे क्या है जरा इसको देख लेते हैं, यहां पे एलसीएम 30 आएगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 6 टाइम जाता है तो 6 से मल्टीप्लाई करो 6n प्लस 24। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना है माइनस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये स्टूडेंट गलती करते हैं, माइनस एन से भी होगा माइनस 4 से भी होगा तो पॉजिटिव हो गया, और साथ साथ 6 भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 1 5 5 6 30 एक तो ये काम कर रहे हैं, तो यहां पे बचा n माइनस 9 यहां पे क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 6n ये हो जाएगा माइनस 15n 20 प्लस 24 ये हो जाएगा 44 और ये 6 जो है वो यहां आके मल्टीप्लाई करवा दो तो 6n माइनस 54 तो ध्यान में रखना 6 मैंने यहां पे आके मल्टीप्लाई करवा दिया और इनको जस्ट मैंने सिंप्लीफाई कर लिया ये 54 है। अब n स्क्वायर इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ 6n उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 21n और माइनस 54 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐड करो 48 98 ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। अच्छा इसके फैक्टर मैंने ढूंढने फैक्टर इसके क्या है माइनस 14n और माइनस 7n सॉल्व करो इसको n कॉमन लो n माइनस 14 माइनस 7 कॉमन लो n माइनस 14 एक फैक्टर आ गया n माइनस 14 दूसरा फैक्टर आ गया n माइनस 7 तो आइदर n माइनस 14 इक्वल टू 0 और n माइनस 7 इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 14 ये हो जाएगा n इक्वल टू 7 क्या दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं? हाँ मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहां पे 6 तक हो सकती है 6 से छोटा नहीं हो सकता तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल हैं
n इक्वल टू 14 भी एक्सेप्टेबल है, n इक्वल टू 7 भी एक्सेप्टेबल है। मतलब क्या मतलब है दो आंसर का? मतलब ये होगा कि आप अगर यहां पे 7 पुट करो, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 7, आप उस वाली एक्सपेंशन में देखना फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवेंथ टर्म, इनका जो कोएफिशिएंट आ रहे होंगे वो बाइनोमियल में होंगे। फॉर एग्जाम्पल पुट करके देख लेते ना, अगर आप 7 पुट करोगे यहां पे तो ये होगा 7c4, तो आंसर आएगा 35, फिर है 7c5, आंसर आएगा 21, और फिर है 7c6, आंसर आएगा 7। तो आपको दिखने में लग रहा है एपी के अंदर है। 35 में आपने क्या ऐड किया? -14 ऐड किया। 35 में -14 ऐड किया 21 आ गया, 21 में -14 ऐड किया 7 आया। इन शॉर्ट कॉमन डिफरेंस यहां पे -14 है। और फॉर एग्जाम्पल अगर 14 पुट करो, 14c4, तो 14c4 है 1001, अच्छा 14c5 है 2002, और 14c6 है 3003। तो देखने में लग रहा है यहां पे आप 1001 ऐड कर रहे हो, इसके अंदर 1001 ऐड करो 2002, इसके अंदर 1001 ऐड करो 3003, तो ये भी एपी के अंदर है। तो दैट्स व्हाई दोनों आंसर यहां पे एक्सेप्टेबल हैं, दोनों यहां पे बॉक्स हैं। इन केस अगर n नेगेटिव आ रहा होता या n 6 से कम आता, क्योंकि देखो मैक्सिमम 6 तो होना चाहिए, मिनिमम 6 होना चाहिए, 5 होगा तो इसकी सेंस नहीं बनेगी ना, 5c6, तो मैक्सिमम सॉरी मिनिमम n 6 हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है, तो 7 एक्सेप्टेबल है, 14 भी एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर पेपर में वैल्यू चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं होगा या इससे 6 से छोटा एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये बाकी आप देख लेना। तो बच्चों 8.3 हमारी खत्म होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 8.4 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।